सिद्धार्थ बाबू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप घबराओ मत, देखो मैं निशा को अपने साथ लाया हूँ। निशा? अरे मेरे यकीन मानो, मेरा निशा के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जिस दिन से तुम उसे मंडप से उठाकर ले गए हो, मैंने निशा को मिलने तक की कोशिश नहीं की। निशा को मंडप से उठाकर ले जाना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसे आज मैं सुधारने आया हूँ। मैं आज के बाद आपके और निशा के बीच में कभी नहीं आऊंगा। मगर तुम मुझसे चाहते क्या? मैं अपनी चाहत नहीं, अपनी प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप निशा से विवाह कर लीजिए। क्या कहा तुमने? मैं निशा से शादी करूं? हाँ सिद्धार्थ बाबू, आप निशा से विवाह कर लीजिए। नहीं, देखिए मेरी बात मत ठुकराइए, आप निशा से विवाह कर लीजिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। आपको निशा से विवाह करना ही पड़ेगा। नहीं करूंगा। जब मैं निशा से शादी करने जा रहा था तो तुम उसे मंडप से उठाकर ले गए और मुझे मारे। अब मैं शादी से इनकार कर रहा हूं तो तुम मुझे जान से मारने चले हो? क्षमा करना सिद्धार्थ बाबू, क्रोध में आकर मैंने ये रिवॉल्वर उठा लिया था। निशा जैसी पत्नी मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। निशा को इतना सुख देना कि दुख उसके जीवन को छूकर भी ना गुजरे। मेरी बात मान जाइए सिद्धार्थ बाबू। वहीं आपकी बेटी का घर बस रहा है।